लोग तीन टाइप की रेंज तैयार किए हुए हैं। इसको तीन टाइप में रेंज में, पहला जो हमारा रेंज है विनिका मॉडल, दूसरा है मेरा फेविट और तीसरा है मेरा आर्टिलिस्ट। विनिका जो मॉडल है ये हमारा बेस मॉडल है, स्टार्टिंग रेंज हमारा मीडियम में फेविट है। और तो इस बोर्ड पे वो स्विच नहीं लगा हुआ है, वो विनिका रेंज पे वो भी अपन का मिल जाएगा। और इसमें जो स्विचेस हैं ये सारे 10 एम्पियर हमारे हैं। बहुत से ब्रांड हैं 6 एम्पियर बनाते हैं और बहुत से ब्रांड हैं जो 10 एम्पियर बनाते हैं, लेकिन हमारे कंपनी की जो गिनती होती है वो स्विचेस की रेंज में 10 एम्पियर से हम लोग स्टार्ट करते हैं और 16 की जगह 20 एम्पियर बना रहे हैं, 6 की जगह 10 एम्पियर बना रहे हैं। इसमें अगर प्लेट की बात करें तो एक ये डाइनेक्स प्लेट है जो हमारा वाइट कलर में, फिर इसमें हम डाइनेक्स में सिर्फ और सिर्फ वाइट कलर बनाते हैं, इसके अलावा इसमें और कोई कलर नहीं बनाते हैं। लेकिन इस प्लेट का अगर क्वालिटी का बात करें, ये स्थिति है इस प्लेट की क्वालिटी का, आप किसी को दिखाइए बताइए, फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे ये है स्थिति इसकी। मार्केट में हम नाम से नए हैं लेकिन क्वालिटी हमारी ऐसी है कि अगर एक बार कोई यूज करेगा तो वो हमें आगे और भी कस्टमर देगा। जैसे कि अगर आपने किसी को सजेस्ट किया, उसने लगा लिया, तो हो सकता है उसके फ्रेंड सर्कल में, उसके रिलेशन में वो भी सजेशन दे कि भैया आप, मैंने फला फला कंपनी का यूज किया, आप इसको लगाओ। तो ये डाइनेक्स मॉडल का जो हम बात कर रहे थे, इसमें तो फिर वाइट आता है। अगर कोई कलर प्लेट का डिमांड करता है तो सेम डिट्टो यही चीज, ये डाइनेक्स प्रो रेंज है हमारी। डाइनेक्स प्रो में हमारे सारे कलर आ जाएंगे। अभी तो फिलहाल इसमें हमने 4 कलर डाल रखे हुए हैं, बाकी और भी कलर इसमें आते हैं हमारे पास। तो ये डाइनेक्स प्रो रेंज है, सेम जो सिचुएशन हमारी इसकी है, ये डाइनेक्स प्रो। बस दोनों में फर्क क्या है कि जब कलर पे जाते हैं तो रेट का डिफरेंस आता है। तीसरा इसका मॉडल जो है कि एलेंजा मॉडल है, ये एलेंजा। एक कुर्सी हमें दे दो जरा। प्लेट में क्या है कि इसको थोड़ा सा हमने कर्व प्लेट बनाया और कर्व के साथ साथ ये आपका जो बॉर्डर लगा हुआ है सिल्वर का, वो इसमें भी सिल्वर का बॉर्डर पड़ा हुआ है। अगर किसी को कहते ना कि कस्टमर अपना लुक, किसी को इस टाइप का प्लेट पसंद है, किसी को इस टाइप का प्लेट पसंद है, तो वो हमने अलग अलग चीजें दे रखी हैं। इसमें अगर कोई वुडन की बात करता है तो हम लोग वुडन प्लेट भी रखते हैं, वुडन में ही आ जाएगा। वैसे वुडन का कम डिमांड रहता है, बहुत रेयर केस में ऐसा कोई कस्टमर आता है। ज्यादातर मोस्टली ये मान के चलिए 80% लोग आपका वाइट, उसके बाद 20% में फिर अलग अलग कलर पे लोग बढ़ जाते हैं। ये हमारा मिडल रेंज है, ये हमारी कंपनी का बीच का रेंज है। इसमें भी हम वही 10 एम्पियर स्विच के साथ कलर की बात करें तो दो टाइप के कलर, वाइट और ग्रे। इंडिकेटर का जो लुक है थोड़ा सा इस टाइप से है, थोड़ा सा डिफरेंट मॉडल में हमने रेगुलेटर इसका बनाया हुआ है, ठीक है। ये कस्टमर की चॉइस वाला बात है कि, लेकिन ये हमारी सेपरेट रेंज है, मतलब ये अगर कहीं लगेगी वाइट और ब्लैक, ये दोनों एक रेट पे पड़ेगा। ब्लैक में स्विच भी है क्या कि ओनली जो सीट है? इनमें सिर्फ आपका वाइट और ग्रे, विनिका में भी और इसमें फेविट में भी वाइट और ग्रे दो टाइप के स्विचेस आएंगे। तीसरा जो मॉडल हमारा आर्टमिस का मॉडल है, इस आर्टमिस में वाइट, ग्रे और ब्लैक दो टाइप के स्विचेस आएंगे। तीसरा जो मॉडल हमारा आर्टमिस का मॉडल है, इस आर्टमिस में वाइट, ग्रे और ब्लैक नहीं पड़ा है, कल याद रखना, कल डाल देना। इसमें इस रेंज पे एक प्लस पॉइंट ये है कि वाइट ग्रे के साथ इसमें हम ब्लैक स्विच भी बनाते हैं जी, इसमें आपको ब्लैक का सारा पार्ट मिलेगा। और ब्लैक, ये ब्लैक नहीं मिलेगा आपको, ये जो ग्लॉसी ब्लैक है चिकना वाला, ये नहीं मिलेगा, एक मैट फिनिश वाला ब्लैक होगा, मैट फिनिश होगा बहुत। वो अगर आप टच करेंगे ना उसको, देखेंगे बहुत बढ़िया लगेगा। अभी हम फोटो पे मेरे पास पड़ा हुआ, हम दिखा भी देंगे मीटिंग के बाद वो। इसमें हम लोग तीन रेंज पे बना के काम कर रहे हैं, इसमें भी वही सेम कंडीशन है, 10 एम्पियर स्विच, 16 की जगह 20 एम्पियर स्विच। बट इस रेंज में खासियत एक स्विच है हमारा
वो फोर पार्ट में स्विच है, ये वाले तीन पार्ट में होते हैं, ये वाले फोर पार्ट में बना है। और ये भी एक नई तकनीक जो भी 6 महीने पहले हम लोगों ने, उसके पहले तो वही नॉर्मल आप खोलते हैं तो एक अपर होता है, एक लोअर होता है और बीच में एक झूला जिसे लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं, उसी पे वो सारा वर्किंग करता रहता है। ये जो फोर टाइप फिश है इसमें क्या किया है कि एक तो आपका लोअर होगा नीचे का पार्ट, उसके बाद फिर झूला होगा, झूले के ऊपर एक कैप होगा और कैप के ऊपर फिर ये आपका जो फाइनल कैप आएगा जो अपन को वाइट ऊपर लगता है, ये इससे क्वालिटी इसकी और इम्प्रूव हो गई और स्पार्क वगैरह की दिक्कतें नहीं होती हैं इसमें, और अगर होता भी है तो वो दिक्कत नहीं करता है। 10 एम्पियर हमारे पास, अगर आप स्विच चाहोगे तो 25 एम्पियर स्विच मिलेगा, एमसी मिनी एमसी भी चाहोगे तो वो भी मिलेगा, क्योंकि आप लोग स्विच की जगह एमसी भी ज्यादा प्राथमिकता में लेने लगे, वो लोग लगाते हैं वो अपन को मिल जाएगा। इसमें जैसे वही चीज मैं आपको जो बता रहा था कि थोड़ा, ये आपकी 5 वाट, ये आपकी 6 वाट, इसी में आपका 7 वाट आ जाएगा। ये कंबाइंड है, 8 in 1 का कंबाइंड है, और भी चीजें आती हैं, होल्डर वगैरह, हाँ ये होल्डर है, सीलिंग लोड है, ये सारे आइटम आपके मिल जाएंगे। फ्लड लाइट, स्ट्रीट लाइट, फ्लड लाइट आपका अगर बात करें तो ये आपकी 30 वाट से स्टार्ट होगी हमारे पास, और अगर स्ट्रीट का बात करें तो 10 वाट और 20 वाट भी आएगी। अगर किसी कोई घर पे लो वोल्टेज लगाना चाहता है, कम वाट का लगाना चाहता है, तो अपन का 10 वाट और 20 वाट भी मिल जाएगा, बाकी 30-50 तो आता ही आता है। और इसमें प्लस पॉइंट हमारा एक ये है कि ये हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज, अगर बहुत ज्यादा लो वोल्टेज हो गया तो ये ऑटो कट है, हाई वोल्टेज जाएगा तो ये ऑटो कट है, तो इस बेहतर है। अगर आप लोगों को ये बेहतर लगे तो आप सजेस्ट करिएगा हमें, हमें प्लस हमारे वेंफर टीम को, प्लस हमारे वेंफर टीम के साथ जितने भी हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर सारे लोग जुड़े हैं, उन लोगों ने इसे बेहतर बताया है और वही फीडबैक के साथ हम आपके साथ बात कर रहे हैं। अदरवाइज इतने कॉन्फिडेंस से कोई भी किसी के सामने नहीं कह सकता कि नहीं ये कैसा है कैसा, ठीक है। अब इस वायर को आज तक जब से ये ट्रिपल लेयर हो गया है किसी ने नकारा नहीं है, किसी ने ये नहीं कहा है कि ये वायर आपका खराब है, या इस वायर का गेज कम है, या इस वायर पे हमें ये चीज की दिक्कत समझ में आ रही है, क्योंकि इसमें हमने हर चीज को ध्यान में काफी अच्छी रहती होगी,